हमसे हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं और बदले में क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। वाह कितना सुंदर शब्द है, आत्मनिर्भर बनिए। तो एक बात हमको बता दीजिए, सोच के बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं आप, आपका हक है कि आप सोचें, और उसमें भी आप महाराष्ट्र के हैं, आप आज सोचेंगे भारत उसको कल सोचेगा, इसलिए आपको जरूर सोचना चाहिए कि अगर सरकारी रोड नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सब आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। बोलिए क्या आमदार साहब, बोलिए कि आपको पेंशन मिलेगा? ये जो यहां कांस्टेबल खड़ा है, क्या जी पेंशन मिलता है? तो बोलिए ना, इनको नहीं मिलता है। बोलिए, इसको देखिए और इसको समझिए। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आजकल अजीत दादा सलाम ठोक रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत दादा ने, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इलेक्शन डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया, ईडी, अब कोई घोटाला नहीं हुआ है, भाजपा के वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया है। अब दाग अच्छे हैं, क्योंकि दाग भाजपा ही हैं। इस खेल को आप समझिए कि कुछ भी सरकारी नहीं होगा तो सरकारी संसद किस लिए होगा? 20,000 करोड़ का सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए होगा?